उसके बाद में नेक्स्ट है जेनेटिक सपरेशन। तो जेनेटिक सपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ए जीन बी जीन है, ठीक है, ये दोनों जीन जो है ये वाइल्ड टाइप है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई ऑफ ड्रोसोफिला, ठीक है, अगर ये दोनों जीन आपके पास में वाइल्ड टाइप में है तो हम बोलेंगे कि इसका आई कौन सा है, रेड, ठीक है। अगर इसमें म्यूटेशन होता है, ठीक है, तो म्यूटेशन किस में होगा रे, म्यूटेशन कोई भी एक जीन में होगा। तो जैसे हम बोले कि ये ए नेगेटिव जीन में म्यूटेशन हो गया, आपका बी पॉजिटिव है, तो इस केस में आपका जो म्यूटेशन हुआ है उसके कारण जो आई है इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका कलर जो है अभी रेड तो नहीं है, बट थोड़ा सा आपका ये कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपका म्यूटेशन की वजह से फिनोटिपिक चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये म्यूटेशन जो है इसको सप्रेस करने के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे जीन में भी म्यूटेशन कर देते, ठीक है, या फिर आप सेम जीन में डबल म्यूटेशन करते हो जिसके कारण वो आपका ए पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो म्यूटेशंस अलग अलग टाइप के हैं, जैसे इस म्यूटेशन की अगर हम बात करते तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड म्यूटेशन, ठीक है। अगर म्यूटेशन ये ए जीन में पड़ रहे तो म्यूटेशन कैसे हुआ रहे? ये यहाँ पे कोई तो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा, कुछ तो भी हुआ होगा, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये अपना म्यूटेशन हो गया इस पोजीशन के ऊपर। आप अगर क्या करते हो, म्यूटेशन को रिवर्स कर रहे हो, रिवर्स का मतलब क्या, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल इंसर्शन किया था, क्या किया था, इंसर्शन किया था, है ना, तो फ्रेम शिफ्टिंग हुई, उसकी वजह से ए आपका म्यूटेट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिलीशन करेंगे, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, इंसर्शन किया था, अब क्या करेंगे, तो अब डिलीशन करेंगे, जहाँ पे इंसर्शन किया था वहीं पे अपन डिलीशन करें। तो इस टाइप की म्यूटेशन को बोला जाता है रिवर्स म्यूटेशन, इसको क्या बोलेंगे अपन, रिवर्स म्यूटेशन। यहाँ तक ठीक है क्या, फॉरवर्ड क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, समझ में आया क्या, फॉरवर्ड म्यूटेशन मतलब ए में किसी भी टाइप के चेंजेस अगर आप करते हो तो वो हो गया फॉरवर्ड म्यूटेशन, जो वाइल्ड टाइप को म्यूटेटेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका म्यूटेशन वाला जो म्यूटेटेड जीन है उसमें जहाँ पे आपने चेंजेस वहीं पे आपको चेंजेस को रिवर्स करना है, ऐड किया था डिलीट करो, डिलीट किया था इंसर्ट करो, बट सेम जगह पे आपका म्यूटेशन करना है, तो उसको अपन बोलेंगे रिवर्स। समझ में आ रहा है, वाइल्ड टाइप से ये म्यूटेटेड फिनोटाइप मिल गया आपको। अब आप दो तरीके से इसको फिर से वाइल्ड टाइप फिनोटाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, एक कि बी जो जीन आपका था जो ए के साथ में मिलकर काम कर रहा था, ठीक है, सेम फिनोटाइप के लिए, तो बी में आप म्यूटेशन करो। तो अगर आप बी में म्यूटेशन करते हो तो उसको अपन बोलते हैं इंटरजेनिक म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, इंटरजेनिक। इंटरजेनिक का मतलब क्या रहे, दो अलग अलग जीन में, ठीक है। और अगर आप सेम जीन में अगर करते हो तो उसको बोला जाएगा इंट्राजेनिक, ठीक है क्या। इंटर मतलब विथ इन अ सेम जीन, इंटर का मतलब क्या, इन बिटवीन टू डिफरेंट जीन, ठीक है, दो अलग अलग जीन में म्यूटेशंस हुए हैं।
तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण आपका जो फिनोटाइप है, ठीक है, आपका जो फिनोटाइप है ये फिर से क्या हो गया, फिर से वाइल्ड टाइप बन गया, ठीक है, मतलब रेड आय था तो अभी ये क्या हो गया, फिर से रेड आय में इसका डेवलपमेंट हो गया, समझ में आ रहा है क्या? तो रेड आय डेवलपमेंट हुआ मतलब वाइल्ड टाइप, ठीक है, और वाइल्ड टाइप मतलब हमने जो पहला म्यूटेशन हुआ था जिसकी वजह से फिनोटाइप म्यूटेट आ रहा था उस म्यूटेशन को अपन ने सप्रेस कर दिया, ठीक है। देखो जेनेटिक सप्रेशन मतलब जो वाइल्ड टाइप फिनोटाइप है वो म्यूटेटेड फिनोटाइप में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन ए जीन। तो ये जो म्यूटेशन हुआ है इसके वजह से फिनोटाइप चेंज हो गया आपका, है ना। तो ये म्यूटेशन के एक्टिविटी को सप्रेस करना है आपको, तो सप्रेस तीन तरीके से आप कर सकते हो। एक तो म्यूटेशन रिवर्स कर दो, है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती, जहाँ पे म्यूटेशन है उसी जगह पे सेम न्यूक्लियोटाइड को लाना या फिर इंसर्ट करना या फिर डिलीट करना बहुत ग्रेट चांस होते हैं, है ना। आपको इस म्यूटेशन के एक्टिविटी को सप्रेस करना है तो उसके लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक कि ए निगेटिव जो है इसमें फिर से चेंजेस करो, फिर से दूसरे पोजीशन पे चेंजेस करो जिसकी वजह से ए निगेटिव अभी ए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते तो आपने क्या किया था, इंसर्ट किया था, इंसर्ट किया था मतलब फ्रेम शिफ्टिंग हो गई, फ्रेम क्या हुई थी, शिफ्टिंग हुई थी, इंसर्ट मतलब ये इधर साइड फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड आगे वाले फ्रेम में ऐड होते जाएगा। आपका फ्रेम शिफ्टिंग को आपको बंद करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा था तो अपन क्या करेंगे, आगे वाले इससे एक कोडन को, एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर देंगे। क्या होगा देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपन ने ए ऐड किया है तो ये फ्रेम शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में कर रहा है, अपन भी क्या करेंगे इसमें, इसमें हम यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर देंगे, जो जी है उसको अपन ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। जी को अगर अपन ने डिलीट कर दिया, ठीक है, जी को हमने क्या किया, डिलीट किया, क्या हो गया, जी को अगर अपन ने डिलीट कर दिया तो जी को डिलीट करने के बाद में अब फ्रेम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो दो पॉइंट्स है ये दो पॉइंट्स के बीच वाले कोडॉन चेंज हो रहे, बाकी सब कोडॉन सबके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, समझ में आ रहा है क्या। तो प्रोटीन की एक्टिविटी क्या हो गई, अगर रीजनरेट हो गई तो अपन बोलेंगे कि वही पॉजिटिव बन गया, समझ में आ रहा है क्या। तो इस टाइप के सप्रेशन को अब क्या बोलेंगे, पहला जो म्यूटेशन है इसके एक्टिविटी को सेकेंड म्यूटेशन ने सप्रेस किया। पहला म्यूटेशन की वजह से फिनोटाइप म्यूटेंट चल रहा था, अब अपन ने दूसरे पोजीशन पे म्यूटेशन किया उसके वजह से, उसके वजह से क्या हुआ, पहला वाला जो म्यूटेशन है उसकी एक्टिविटी सप्रेस हो गई, अब वो म्यूटेंट फिनोटाइप नहीं दे रहा है, अब वो दे रहा है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, समझ में आ रहा है क्या। तो ये जो म्यूटेशन हुआ है आपका, ये जो म्यूटेशन हुआ है इसकी वजह से पहले म्यूटेशन की एक्टिविटी सप्रेस होगी, और पहले म्यूटेशन की एक्टिविटी अगर आपकी सप्रेस होती है तो उसको बोला जाता है इंट्राजेनिक सप्रेशन, समझ में आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या। तो इंट्राजेनिक सप्रेशन, ठीक है, बरोबर है, सप्रेशन, ठीक है। तो ये आपका इंट्राजेनिक सप्रेशन, ठीक। उसके बाद में इसकी अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ए निगेटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, तो ए निगेटिव की एक्टिविटी जो है ये कौन सप्रेस कर रहा है, तो बोले कि हमने सेकेंड जीन में म्यूटेशन कर दिया, और सेकेंड जीन में म्यूटेशन होने के कारण ए जीन का म्यूटेशन आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, वो उसकी एक्टिविटी सप्रेस होगी। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, दूसरे जीन में म्यूटेशन करने के कारण पहले वाले जीन की एक्टिविटी सप्रेस होगी, इसलिए इसको बोलेंगे इंट्राजेनिक सप्रेशन, समझ में आ रहा है क्या, ये सबको समझ में आ गया, इंट्राजेनिक, इंट्राजेनिक फॉरवर्ड रिवर्स म्यूटेशन सबको समझ में आया।
पक्का पक्का ना। चलो उसके बाद में नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये ए ए ठीक है, आपका एम आर एन ए है इसके ऊपर आपका टी टी ए रहेगा ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये आपका सेंस स्ट्रैंड है, ये आपका नॉन सेंस स्ट्रैंड है। ठीक है, इससे एमआरएनए क्या बनेगा, इससे एमआरएनए बनेगा यू यू ए ठीक है। तो आपके एमआरएनए के पास, एमआरएनए के पास ये टर्मिनेशन कोडॉन आ गया। म्यूटेशन किस टाइप का रहेगा, टर्मिनेशन कोडॉन आता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा म्यूटेशन बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब ए जो था वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे जीन में म्यूटेशन करेंगे। कौन से जीन में म्यूटेशन करेंगे, तो हमारे पास में टी आर एन ए के जीन था, इसका जीन है टी आर एन ए का ठीक है। तो ए ए ए ए टी ठीक है, टी टी ए आपके पास पहले जीन कैसे था, टी टी जी ए ए सी यह अपना जीन, इसमें म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन के कारण यहाँ पे सी जी की जगह पे टी ए आ गया, मतलब ट्रांजिशन की ट्रांसफर्शन। सी जी की जगह पे टी आ गया मतलब ट्रांजिशन है, सी की जगह पे टी, जी की जगह पे ए ठीक है। तो ये म्यूटेशन के कारण एम आर एन में यू यू ए आ गया, मतलब टर्मिनेशन कोडॉन, तो आपका ट्रांजिशन यहीं पे रुक जाएगा। हमें ये ए निगेटिव हो गया हमारा, ये था ए पॉजिटिव, ये हमारे पास में है बी पॉजिटिव ठीक है। तो B पॉजिटिव है आपके पास में क्या रहे, B पॉजिटिव है आपके पास में T T G A A C। अब हमें इसमें म्यूटेशन करना है, तो हमने यहाँ पे म्यूटेशन कर दिया ठीक है। और B जीन में आपने म्यूटेशन कैसे किया, यहाँ पे आपका इस टाइप का म्यूटेशन, जीसी की जगह पे हमने क्या लाया, एटी को लाया। तो इस केस में टीआरएनए जो है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, टीआरएनए के ऊपर आ जाएगा ए ए यू ठीक है। कहां पे आया ये, आपके एंटीकोडॉन्स है ना। तो एंटीकोडॉन आम जो है ये अभी पेयरिंग करेगा किसके साथ, पेयरिंग करेगा यू यू ए के साथ में, और यू यू ए के साथ में अगर ये पेयरिंग करता है ठीक है, तो अमीनो एसिड को ऐड किया जाए ठीक है यहाँ तक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोडॉन जिसके लिए भी था ठीक है, उसी अमीनो एसिड को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो म्यूटेशन भी आपको किस में करना है, जो
जो टीआरएन वो अमीनो एसिड को ला रहा था उसी में आपके चेंजेस करने, ठीक है क्या? तो हमने ए पॉजिटिव को ए नेगेटिव कन्वर्ट किया, बी पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट किया, बी नेगेटिव में। तो बी नेगेटिव अगर यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो बी नेगेटिव किसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, ए की एक्टिविटी को सप्रेस कर देगा, उसको बोलेंगे अपन इंट्राजेनिक सप्रेशन, ठीक है? यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? चलो ये समझ में आया, उसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या? हो गया नहीं? हाँ उसके बाद में नेक्स्ट कॉजेस ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन जो है ये दो कॉजेस होते हैं इसके, एक स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है आपका इंड्यूस, ठीक है ना? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड इंड्यूस म्यूटेशन दोनों में क्या डिफरेंस है रे? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन किसके वजह से होता है? बिकॉज ऑफ नॉर्मल म्यूटेशन रेट। और हर एक ऑर्गेनिज्म का म्यूटेशन रेट क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अपन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का म्यूटेशन रेट कितना होता है? 10^-8 10^-10, ठीक है? अगर ह्यूमंस की अपन बात करें तो ह्यूमंस जो है इसमें म्यूटेशन रेट होता है 10^-6 10^-8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1/10^-6 10^6 to 10^8 मतलब 10^6 का मतलब होता है 10 लाख। तो 10 लाख में क्लोर ऐड करने के बाद में एक रॉन्ग ऐड होता है तो उसको बोला जाता है आपका ये म्यूटेशन, ठीक है यहाँ तक? तो बैक्टीरिया का म्यूटेशन रेट कम है कि ज़्यादा है? बैक्टीरिया का म्यूटेशन कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है कि कम है? कम है ना? तो 1/8 to 10 मतलब 1 के ऊपर 8 जीरो ऐड करो या 10 जीरो ऐड करो तो वो उतने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद एक रॉन्ग ऐड करता है। तो हम बहुत कम, उससे कम न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद में रॉन्ग ऐड करते हैं। म्यूटेशन रेट किसका ज़्यादा हो गया? ह्यूमन का ज़्यादा। एरर किस में ज़्यादा आते हैं? ह्यूमन्स में एज कम्पेयर विद बैक्टेरिया। फिर भी बैक्टीरिया जो है इसमें इवोल्यूशन फास्ट होता है, ह्यूमन में इवोल्यूशन आपको दिखाई नहीं देता। मतलब देखने के लिए आपको 100 साल 150 साल जिंदा रहना पड़ेगा, उसके बाद में आपको दिखेगा चेंजेस, वो भी आपको आप पहचान नहीं सकते ऐसे चेंजेस होते हैं ना। तो अगर ह्यूमन का इवोल्यूशन देखना है आपको तो 10,000 साल 50,000 साल या 1 मिलियन ईयर्स के बाद में आपको अच्छे खासे चेंजेस दिखाई देते हैं, बट वो चेंजेस किसने देखे? समझ में आया क्या? तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन स्लो हो रहा है, बैक्टीरिया का इवोल्यूशन फास्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? ये जो म्यूटेशन रेट है ये किसका है? ह्यूमंस में पर रेप्लिकेशन साइकिल का, ठीक है? और ये बैक्टीरिया में एक बार रेप्लिकेशन करो तो एक जनरेशन आ जाती है। हमारे इसमें आती है क्या? नहीं। तो हमारा जनरेशन टाइम कितना आता है? अप्रोक्सीमेटली 30 इयर्स 30 साल के बाद में शादी होती है ना अप्रोक्सीमेटली, तो इसलिए जनरेशन टाइम अपना 30 हो गया है ना। तो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम 20 मिनट। समझ में आया क्या? चलो ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है, इसमें पहला है आपका टॉटोमरिज्म। पहला क्या है? टॉटोमरिज्म। ठीक है, टॉटोमरिज्म का मतलब क्या रे? जैसे आपके पास नाइट्रोजन बेस पे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कीटो ग्रुप है, तो कीटो जो है ये आपका किस में कन्वर्ट हो सकता है? इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब OH में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपके पास में NH2 है तो ये आपका डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको बोला जाता है अमीनो, इसको बोला जाता है इमीनो। ठीक है क्या? इसको बोला जाता है कीटो, तो इसको बोला जाता है इनॉल। यहाँ तक ठीक है? अब देखो, कीटो फॉर्म टू इनॉल या फिर अमीनो फॉर्म टू इमीनो फॉर्म कन्वर्ट कब होता है? जब यहाँ से प्रोटॉन डिसोसिएट होगा तो इमीनो बनेगा, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा तो इनॉल फॉर्म बनेगा, है ना? अल्कोहल ग्रुप तभी बनेगा जब प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा। इस केस में होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में सी है, ठीक है, जो कीटो फॉर्म में है, ठीक है, तो ये पेयरिंग करता है किसके साथ? जी के साथ। बट अगर सी जो है ये आपका कौन से फॉर्म में चला गया? इनॉल फॉर्म में चला गया, तो ये पेयरिंग करता है किसके साथ में? ए के साथ। अगर हम बात करते ए की, जो अमीनो ग्रुप फॉर्म में होता है, ठीक है, अमीनो फॉर्म में होता है, टी के साथ पेयर करेगा, बट ये अगर इमीनो फॉर्म में चला गया तो ये पेयरिंग करेगा किसके साथ में? सी के साथ। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो फर्क कितना पड़ता है कि पेयरिंग ही रॉन्ग हो जाती है अगर कीटो टू इनॉल या फिर अमीनो टू इमीनो फॉर्म में अगर अपन ने कन्वर्ट किया। तुम मुझे इतना बता दो कि जब ए आपका पेयरिंग करता है टी के साथ में, ए पेयरिंग करता है किसके साथ में? टी के साथ में। अगर वो इमीनो फॉर्म में है तो ट्रांसवर्शन होगा कि ट्रांजिशन होगा, वो बता दो। अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि टॉटोमरिज्म की वजह से अमीनो ग्रुप जो है ये इमीनो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ए का, तो वो आपका किस टाइप का म्यूटेशन करेगा? तो मैंने तो ये बता दिया आपको कि बेस सब्स्टिट्यूशन होगा, बट किस टाइप का होगा बता सकते हैं? ट्रांजिशन होगा, ट्रांसवर्शन होगा, क्या होगा? ट्रांसवर्शन। कैसे? कैसे रे? देखो आपके पास एटी है ना, अगर हमने क्या किया इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट किया? इमिनो। तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन में क्या? नेक्स्ट रेप्लिकेशन में अगर इमीनो फॉर्म है तो ये किसके साथ पेयरिंग कर लेगा?
सी के साथ पेयरिंग करेगा, बराबर सी के साथ पेयरिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रेप्लिकेशन, नेक्स्ट रेप्लिकेशन में क्या होगा, सी स्टैंड सेपरेट हो जाएगा और सी अपने अगेंस्ट में किसको ऐड करेगा, जी को ऐड करेगा। मतलब बेस पेयर कौन सा चेंज हुआ आपका, 80 था तो 80 की जगह पे क्या आ गया, जी सी आ गया। ट्रांजिशन है कि ट्रांसफर्शन है, ये ट्रांजिशन है क्योंकि पहला ए था तो दूसरा, पहला यहाँ पे जी है, यहाँ पे पिरिमिडियन तो यहाँ पे भी पिरिमिडियन है। जब भी अपन ट्रांजिशन ट्रांसफर्शन पढ़ते तो स्टैंड को अलग अलग नहीं करना, मतलब उनका पोजिशन चेंज नहीं करना। यहाँ पे जैसे ए लिखा है, यहाँ पे टी लिखा है, रेप्लिकेशन कर रहे तो यहाँ पे ए ही आएगा और यहाँ पे टी आएगा, फिर इसके ऊपर स्टैंड बनाओ तो इसके अगेंस्ट में टी आ जाएगा और इसके अगेंस्ट में ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे अगर पढ़ते हो तो ही आपको ट्रांजिशन ट्रांसफर्शन मिलता है, पर अगर आप इधर का स्टैंड उधर करोगे तो उस केस में फिर ट्रांजिशन ट्रांसफर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलो, तो आपका यहाँ पे टॉटोमरिज्म ये पहला है। उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड इंसर्शन डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन ये हमने पढ़ा है। तो इंसर्शन डिलीशन किसकी वजह से हो सकता है, स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन स्टैंड स्लिपेज हो गया, निकल क्रॉस ओवर हुआ तो उसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए या फिर डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या, अपन इसको पढ़ा है ना, इंसर्शन डिलीशन, ठीक है, स्टैंड स्लिपेज या फिर अनइक्वल क्रॉस ओवर के कारण। उसके बाद में डीप्यूरिनेशन, डीप्यूरिनेशन, ठीक है, अगर डीप्यूरिनेशन होता है, डीप्यूरिनेशन का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए है, यहाँ पे क्या है, ए है, इसके इसमें क्या रहेगा, टी रहेगा। स्पॉन्टेनियस डीप्यूरिनेशन होता है तो आपका जो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो ब्रेक हो जाता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। अगर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अगर आपका ब्रेक होता है, ठीक है, इधर ध्यान दो थोड़ा सा, अगर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ब्रेक होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मतलब ये आपका राइबोशुगर, ठीक है ना, उसके बाद ये यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, ये वाला बॉन्ड आपका अगर ब्रेक हो गया तो राइबोशुगर तो वहाँ पर रहेगा, राइबोशुगर वहाँ पे रहेगा बट आपका प्यूरिन निकल जाएगा, बोलेंगे अपन अप्यूरिनिक साइड। अपन ने डैमेज में भी पढ़ा था, रिपेयर सिस्टम में पढ़ा था ना, अप्यूरिनिक अपिरिमिडिक साइड है ना। यहाँ पे डीप प्यूरिनेशन होता है या यहाँ पे आपका प्यूरिन यहाँ से निकल जाता है तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ बचता है राइबोशुगर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये नेक्स्ट इसमें ये स्टैंड सेपरेट हो जाएगा, स्टैंड सेपरेट होगा तो यहाँ पे जो अप्यूरिनिक साइट है जहाँ पे डीप्यूरिनेशन हुआ, प्यूरिन बाहर निकल गया तो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन बेस है नहीं है तो उसके अगेंस्ट में कौन सा ऐड करेंगे, तो कोई ना कोई ऐड करना पड़ेगा नहीं तो रेप्लिकेशन वहाँ पे रुक जाएगा। तो स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे एक को ही ऐड किया जाता है, किसके अगेंस्ट में, अप्यूरिनिक साइट के अगेंस्ट में जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई नाइट्रोजन बेस नहीं है, ठीक है। तो ए था वहाँ पे, ए निकल गया तो ए के, ए निकल गया तो यहाँ पे आपका ए के अगेंस्ट में टी ऐड होना था बट ऐड क्या हुआ, ए ऐड हुआ। तो जहाँ पे भी अप्यूरिनिक साइड है जहाँ पे डीप्यूरिनेशन हुआ है वहाँ पे स्पॉन्टेनियसली को ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन नीचे वाले स्टैंड की अगर बात करते हैं तो नीचे वाले स्टैंड के ऊपर टी है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में क्या ऐड होगा, ऐड होगा मतलब ये तो नॉर्मल है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे 80 था वहाँ पे क्या आ गया, 80 इज रिप्लेस बाय, 80 इज रिप्लेस बाय, ये आगे बढ़ेगा ना, और आगे अगर बढ़ता है नीचे वाला स्टैंड नीचे, ऊपर वाला स्टैंड ऊपर, ये आगे बढ़ाते और क्या होगा, ऊपर वाले स्टैंड जो है इसके अगेंस्ट में फिर से ऐड किया जाएगा तो नीचे वाला स्टैंड जो है उसके में ऐड किया जाएगा, टी ऐड किया जाएगा, यहाँ पे 80 था तो 80 की जगह पे क्या आ गया, ए की जगह पे टी आया ना और टी की जगह पे
ए आया तो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्शन, ठीक है क्या? तो डीप्यूरिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसवर्शन, समझ में आया? ठीक है क्या? इसको पढ़ना मतलब पढ़ना नहीं है, हमें याद रखना है कि ट्रांजिशन कहाँ पे होता है, ट्रांसवर्शन कहाँ पे होता है, ठीक है? चलो यहाँ तक ठीक है। आपको सिर्फ इतना पॉइंट पता होना चाहिए कि होता क्या है म्यूटेशन के बारे में। जैसे अपन बोलते हैं ना पिटो इन ऑल फॉर्म, सभी जगह पे देखो ये म्यूटेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिशन जो है याद रखने का तरीका। सभी जगह पे क्या करना कि जहाँ पे भी बेस मॉडिफाइड होता है तो बेस मॉडिफाई होने के बाद में वो रॉन्ग बेस पेयर फॉर्म करता है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे 5-methylcytosine है तो वो मिथाइलेशन हो गया ना 5-methylcytosine का, तो सी किसके साथ में पेयर करता है नॉर्मली? जी के साथ। छोड़ दो उसको, उसका रॉन्ग बेस ऐड करो, जी के जगह पे ऐड करोगे तो 5-methylcytosine जो म्यूटाजन है ना, मॉडिफाइड है ना वो, तो वो म्यूटाजन है। तो वो ए को अपने सी के अगेंस्ट में जी को ऐड नहीं करता, सी के अगेंस्ट किसको ऐड करेगा? ए को ऐड करेगा। तो जब ए को ऐड करोगे तो आप निकाल के देखो कि सी की जगह पे जब मैं ए को ऐड करता, सी के अगेंस्ट में जब ए को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो आगे चल के ट्रांजिशन होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको हर बार निकाल देखना पड़ेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है। अगर आप ऐसे याद रखोगे ना कि डीप्यूरिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, टॉटोमरिज्म में ट्रांजिशन होता है, तो आप कन्फ्यूज होंगे पक्का, ठीक है। इसलिए सिर्फ इतना याद रखना, कुछ कुछ ऐसे म्यूटेशन है जैसे डीप्यूरिनेशन है, उसके बाद में ऑक्सीडेटिव डैमेजेस है, ठीक है, उस केस में आपको ट्रांसवर्शन दिखाई देता है, ठीक है। बट डीप्यूरिनेशन के केस में ट्रांसवर्शन कैसे आया वो आपको समझने के लिए एक पॉइंट सिर्फ याद रखना पड़ेगा कि जहाँ पर भी डीप्यूरिनेशन है वहाँ पर उसके केस में एक को ऐड किया जाता है। वो अगर आपको याद है तो आप ट्रांसवर्शन आंसर निकाल सकते हैं। आपको ये याद है कि सी अगर कीटो फॉर्म में है मतलब नॉर्मल, तो वो बराबर जी को ऐड करता है, बट ये इनॉल में आ गया तो किसको ऐड कर देगा? ए को। और ए अगर ऐड हो गया किसके अगेंस्ट में? आपके सी के अगेंस्ट में, तो आगे चल के ए सी के जगह पे टी ला देगा। कब ला देगा? रेप्लिकेशन होने के बाद। तो म्यूटेशन सेम जनरेशन में दिखाई नहीं देता, म्यूटेशन आपको नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है, समझ में आया क्या? जैसे मुझे म्यूटाजेंस को ऐड किया, एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड गया, तो म्यूटेशन का इफेक्ट अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा वो रिप्लेस कब हो जाएगा, ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन कब दिखाई दे रहा है? आफ्टर रेप्लिकेशन। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं कि म्यूटेशन आपको समझ में आ रहा है, बट म्यूटेशन आपको कितना समझ में आ रहा है, उसका उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? अगर क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल आता है और आपको बोला जाता है कि हमने ये म्यूटाजेंस ऐड किया, आपने म्यूटाजेंस ऐड किया, म्यूटाजेंस अननोन है, आपको थोड़ी पता है कौन सा है, अननोन म्यूटाजेंस ऐड कर दिया और वो क्या करता है, रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है, ठीक है, तो उससे ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और हमें वो चेक करना है। तो आपको बोला कि ये म्यूटाजेंस हमने ऐड कर दिया, म्यूटाजेंस ऐड करने के बाद पहला रेप्लिकेशन हुआ, पहले रेप्लिकेशन में वो म्यूटाजन जो है वो टी के अगेंस्ट में ऐड होता है, वो किसके में ऐड होता है? टी के अगेंस्ट में ऐड होता है। तो टी के अगेंस्ट में ऐड होता है, इसका मतलब एक जगह पे अभी वो बाइंड हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अब आपको बोला गया कि वो पहला रेप्लिकेशन होने के बाद में हमने सेल साइकिल को इनिबिट करने वाला कोई तो भी ड्रग ऐड कर दिया, इससे सेल साइकिल इनिबिट हो जाती है। पहला रेप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद में सेकेंड रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के पहले हमने वो ड्रग ऐड किया, उसका सेल साइकिल को इनिबिट करके रख दिया है, और उसके बाद में आप उस सेल को आइसोलेट कर रहे हो, उसका डीएनए एक्सट्रा कर रहे हो, आप डिटरमाइन कर रहे हो कि वो ट्रांसफॉर्मेशन है या ट्रांजिशन है, तो क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? तो फिर आपको वो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे लिखा होगा कि सेल साइकिल अगर इनहिबिट है तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन कैरिड आउट नहीं होगा, रेप्लिकेशन कैरिड आउट नहीं होगा, तो हमें ये मालूम ही नहीं पड़ सकता कि वो म्यूटाजन जो है वो किसको ऐड करेगा। अब टी के अगेंस्ट में ए ऐड होना था तो वो ऐड हो गया, बट जरूरी तो वो जी को ऐड करेगा या सी को ऐड करेगा, वो किसी को भी ऐड कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो वो म्यूटाजन है या नहीं है, और है तो ट्रांजिशन कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कब पता चलेगा? जब रेप्लिकेशन करोगे। ये देखो पहले इसमें डीप्यूरिनेशन हुआ, डीप्यूरिनेशन के बाद में पहला रेप्लिकेशन हुआ, पहले रेप्लिकेशन में ए ऐड हो गया। ये जो ए ऐड हो गया है, ठीक है, ये ट्रांजिशन कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कब पता चलेगा?
नेक्स्ट रेप्लिकेशन करोगे, अगर फॉर एग्जांपल ए ने ए को ऐड कर दिया तो म्यूटेशन नहीं दिख रहा है ना अपने को, तो समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। ये जो है ये अगर फॉर एग्जांपल विदाउट रेप्लिकेशन आप पढ़ रहे हो कि ट्रांजिशन हो रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें पता नहीं चलेगा कब तक, जब तक ये इसको ऐड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये जो है ये अगर फिर से टी को ऐड कर देता है तो म्यूटेशंस हो ही नहीं रहा। समझ में आ रहा है? ये रैंडमली किसको ऐड करता है? ए को ऐड कर देता है, हर एक डीप्यूरिनेशन साइड पे वो ए को ही ऐड करते जाता है। तो ए अगर ऐड हुआ नेक्स्ट रेप्लिकेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि ए किसको ऐड कर देगा? टी को ऐड कर देगा। तो यहाँ पे अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे कन्फर्मेशन लगा सकते हैं। तो आपको अगर प्रेडिक्ट करने के लिए बोला तो आपका आंसर आना चाहिए ट्रांसवर्सल। समझ में आया? ठीक है, आपको अगर बोला कि कंफर्म करके बताओ तो आप कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि रेप्लिकेशन रुक गया है, पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रांजिशन हो या ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बेस सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको रेप्लिकेशन करके देखना पड़ता है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन करने के बाद में ही आपको पता लगेगा कि वहां पे आपका किस टाइप का म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, चलो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास स्पॉन्टेनियस डीएमाइनेशन आप देख सकते हो। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डीएमाइनेशन का मतलब क्या रे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास साइटोसिन है, आपके पास में क्या है? साइटोसिन है। तो साइटोसिन में यहाँ पे NH3 होता है और यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड O। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे आपका क्या होता है रे? अमीनो ग्रुप, और यहाँ क्या होता है? डबल बॉन्ड O मतलब ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, C जो है इसका अगर डीएमाइनेशन होता है, स्पॉन्टेनियस की बात करें पर स्पॉन्टेनियस डीएमाइनेशन होता है तो ये स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किसका स्ट्रक्चर है? यूरासिल का। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सी के जगह पे यू आ गया। अब यू आ गया तो किसके साथ में पेयर करेगा आगे चल के? जैसे ये आपका सी था, ठीक है, सी के अगेंस्ट क्या था? जी था। सी के अगेंस्ट में जी था, अब सी की जगह पे यू में कन्वर्ट हो गया। तो यू जो है, यू आ गए यहाँ पे, अब इनका नेक्स्ट रेप्लिकेशन करते हैं। रेप्लिकेशन करोगे तो यू अपने अगेंस्ट में किसको ऐड करेगा और जी किसके किसको ऐड करेगा? हम बोलेंगे यू जो है किसको ऐड करेगा रे? यू ऐड करेगा किसको? U कॉम्प्लीमेंटेशन किसके साथ करता है? A के साथ करता है ना, तो A ऐड हो जाएगा बराबर। और G किसके साथ में कॉम्प्लीमेंटेशन करता है? C। तो ये आपका C। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको अपन आगे बढ़ाते रेप्लिकेशन के लिए, तो रेप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ाओगे तो ये A, ठीक है, उधर C, A के अगेंस्ट में अब क्या ऐड हो गया? T ऐड हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो जो CG बेस पेयर था इट इज रिप्लेस बाय T A। ट्रांजिशन की ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया क्या कैसे ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना? कुछ स्ट्रैंड का पोजीशन मैंने चेंज नहीं किया लास्ट तक, इधर सी है यहाँ पे यू कर दिया। ठीक है, ये आपका सी है यहाँ पे यू, यू को सेपरेट किया, जी को सेपरेट किया, इसके ऊपर स्ट्रैंड बनाया, इसके ऊपर स्ट्रैंड बनाया। तो अगर आपने इसके ऊपर इधर निकाला स्ट्रैंड तो भी गलत हो जाएगा। रेप्लिकेशन अपन कैसे करते? जो स्ट्रैंड जिस साइड में उस साइड में आप रखना पड़ता है। अगर राइट साइड में है तो रोजिनी स्टैंड में भी वो राइट साइड में ही रखो, तो ही आपका आंसर करेक्ट निकल के आता है। ठीक है, अगर आपने क्या किया,
यू है तो यू के अक्ष में ए ऐड होगा, तो ए को इधर सिंथेसिस करके बताया, तो अपना आंसर क्या आएगा, टी के जगह पे आपको क्या दिखेगा रे, एटी दिखेगा, और एटी दिख गया तो अपन बोलेंगे वो ट्रांसवर्स, इससे गलती वहाँ पे नहीं कर, समझा जाएगा मैं काम मतलब, ठीक है समझ गया। चलो तो ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। हो गया इधर का, चलो नेक्स्ट है इंड्यूस म्यूटेशन। और इंड्यूस म्यूटेशन जो है ये किसकी वजह से होता है रे, म्यूटा जंस की वजह से, ठीक है। म्यूटा जंस जो है ये दो टाइप के हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे केमिकल म्यूटा जंस और दूसरा पढ़ेंगे अपन फिजिकल म्यूटा जंस, ठीक है। केमिकल म्यूटाजेंस की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल म्यूटाजेंस में पहला है डीअमाइनेटिंग एजेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रस एसिड, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रस एसिड डीअमाइनेटिंग एजेंट है तो हमें पता है कि सी का डीअमाइनेशन होता है तो क्या बनता है, यूरेसिल, और यूरेसिल क्या कर रहा है, यूरेसिल आपके किसके साथ पेयर करता है, अभी पढ़ा ना अपने किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। अगर अपन एडेनिन की बात करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजैंथिन में, और जी की बात करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जैंथिन में। देखो ए हाइपोजैंथिन में कन्वर्ट हुआ, जी जैंथिन में कन्वर्ट हुआ, ए नॉर्मली किसके साथ पेयर करता है, ए नॉर्मल किसके साथ में पेयर करता है, टी के साथ। हमें क्या पढ़ना है रे, म्यूटेशन पढ़ना है ना, हमें क्या पढ़ना है, म्यूटेशन पढ़ना है। तो म्यूटेशन
म्यूटेशन पढ़ना है तो इसका मतलब ए रॉन्ग पेयरिंग करेगा अगर हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हुआ तो हाइपोजेंथिन पेयर करेगा किसके साथ में, तो ये पेयर करेगा सी के साथ में, समझ में आ रहा है क्या? ए किसके साथ में पेयर करेगा? सी के साथ में। गुआनिन नॉर्मली किसके साथ पेयर करता है? सी के साथ में। तो जब ये ज़ैंथिन में कन्वर्ट होगा तो ये पेयर करेगा टी के साथ में, समझ में आया क्या? ट्रांजिशन होगा कि ट्रांसवर्शन होगा फटाफट से बताओ, तीनों भी केस में ट्रांजिशन होगा ट्रांसवर्शन होगा? क्या होगा? क्या होगा? ट्रांसवर्शन होगा ना, इसके साथ हाँ प्यूरिन की जगह पे अगर प्यूरिन के साथ पेयरिंग कर रहा है तो ट्रांजिशन, प्यूरिन की जगह पे अगर वो पिरिमिडिन के साथ पेयर कर रहा होता तब उन उसे ट्रांसवर्शन, ठीक है? जैसे सी ए के साथ, जी के साथ पेयर करता, अभी ए के साथ कर रहा है तो चेंजेस क्या होगा? जी के जगह पे ए आ रहा है, मतलब ट्रांजिशन, करके भी देखोगे तो ट्रांजिशन आएगा। वैसे ही यहाँ पे अल्किलेटिंग एजेंट में एग्जांपल है इथिल मिथेन सल्फोनेट, ये क्या करता है? इथिल ग्रुप को ऐड करता है किसके ऊपर? गुआनिन के ऊपर, तो 6 इथिल गुआनोसिन में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें? 4 इथिल थायमिन में, ठीक है? अगर ये आपका O6 इथिल गुआनिन है तो ये पेयर करता है सी की जगह पे किसके साथ में? टी के साथ में। ये किसके साथ पेयर करेगा? थायमिन है ए की जगह पे जी के साथ में, मतलब ये हो गया ट्रांजिशन, ठीक है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन की अगर हम बात करते तो ये साइटोसिन के ऊपर, साइटोसिन के ऊपर क्या करता है रे? म्यूटेशन करता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अमीनो ग्रुप ऑफ साइटोसिन, इसके ऊपर ये क्या करेगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड करेगा। तो ये पेयर करता है किसके साथ में? ये पेयर करेगा, नॉर्मली साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। ये किसके साथ पेयर करेगा? ए के साथ। समझ में आया क्या? ट्रांसवर्शन है कि ट्रांजिशन है? उसके बाद में नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम क्या होता है रे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं वो आपके ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, फॉर एग्जांपल सुपर ऑक्साइड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन रेडिकल, हाइड्रोक्सी रेडिकल H2O2, ठीक है, हाइपोक्लोराइड एक्सेट्रा। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है,
ठीक है। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है जी जो है, ठीक है, एक तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डैमेज कर देते हैं, या फिर जी जो है इसको कन्वर्ट करते हैं एट ऑक्सी सेवन एट डाई हाइड्रो डी ऑक्सी गोनी में, ठीक है, और सेवन एट डाई हाइड्रो डी ऑक्सी गोनीन जो है ये पेयर करता है किसके साथ में, ये पेयर करता है ए के साथ में, किसके साथ पेयर कर रहा है, ए के साथ, तो ट्रांजिशन होगा कि ट्रांसवर्शन होगा, क्या होगा, ये होगा ट्रांसवर्शन, क्योंकि पिरिमिडिन की जगह पे किसके साथ पेयरिंग कर रहा है, प्यूरिन के साथ, तो पिरिमिडिन की जगह पे प्यूरिन आ रहा है ना, तो यहाँ पे बेस पेयर क्या रिप्लेस होगा रे, जीसी इज रिप्लेस बाय रिप्लेस बाय ए, हाँ ई एटी, गलत नहीं हुआ क्या, ट्रांसवर्शन है तो अपन क्या बोला, जी सी के साथ पेयर करता है, तो सी की जगह पे ए आया, तो जी की जगह पे आगे चल के क्या आ जाएगा, टी, तो जी सी रिप्लेस बाय टी ए, समझ में आया क्या, उसको बोलते ट्रांसवर्शन, अगर जी सी रिप्लेस बाय ए टी का आपके हिसाब से एक ही है, मेरे को पता है टी ए और ए टी एक ही है, मेरे को पता है, ठीक है, बट नेट में वो नहीं चलता, जी सी रिप्लेस बाय टी ए बोला तो ट्रांसवर्शन, आप जी सी रिप्लेस बाय ए टी लिखोगे तो वो ट्रांसिशन हो गया, समझ में आया क्या, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए मैंने वो रिप्लिकेशन बार बार करके बताया था आपको, ठीक है, क्या स्टैंड आप अलग नहीं करना, इसका मतलब क्या होता है, ए टी लिखा मतलब क्या होता है, ये ऐसे लिखा स्टैंड, और टी ए मतलब ये स्टैंड ऐसे निकाला, समझ में आया, डिफरेंस है कि नहीं है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर का हो गया कि ये हो गया, क्यों होने का, हो गया ना, हाँ, उसके बाद नेक्स्ट बेस एनालॉग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टी जो है इसका बेस एनालॉग है आपके पास में 5 ब्रोमो यूरेसिल, देखो ये कैसे दिखता है, ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सी और यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका 5 ब्रोमो यूरेसिल, मतलब ये कुछ ऐसे दिख रहा है, दोनों पोजीशन पे ऑक्सी है, बस CH3 की जगह पे क्या आ गया, ब्रोमो ग्रुप आ गया, और CH3 की जगह पे ब्रोमो ग्रुप आ गया, इसका मतलब ये हो गया 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है क्या, तो ये आपका थायमिन CH3 है, इसलिए अगर CH3 निकाल दो तो यूरेसिल है ना, CH3 निकाल दो तो
यूरैसिल, और ब्रोमो लगा दो तो 5-ब्रोमो यूरैसिल। ठीक है, समझ में आ रहा है। 5-ब्रोमो यूरैसिल जो है ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, तो जैसे बोल रहे हैं कि अपन म्यूटेशन कर रहे, तो म्यूटेशन कर रहे तो आपको रॉन्ग बेस पेयर ऐड करना पड़ेगा। टी नॉर्मली किसके साथ में पेयर करता है, टी नॉर्मली पेयर करता है ए के साथ, तो ये टी है और ये यहाँ पे आपका ए है। पहले डीएनए ऐसे था, उसके बाद में म्यूटाजेनिक एजेंट सामने ऐड किए, कौन सा म्यूटाजेनिक एजेंट ऐड कर रहे, 5-ब्रोमो यूरैसिल। स्ट्रक्चरल एनालॉग है किसका, थायमीन का, इसलिए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज थायमीन के जगह पे 5-ब्रोमो यूरैसिल यूज करेगा। बराबर, तो एक जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, 5-ब्रोमो यूरैसिल किसके जगह पे ऐड हो जाएगा, किस जगह पे ऐड हो जाएगा, टी के जगह पे, है ना। तो टी के जगह पे आपका वो डीएनए में 5-ब्रोमो यूरैसिल ऐड हो गया। 5-ब्रोमो यूरैसिल है, 5-ब्रोमो यूरैसिल है, तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन में ये क्या करेगा रे, इसको ऐड करेगा 5-ब्रोमो यूरैसिल, ए को ऐड नहीं करेगा, ये ऐड करेगा जी को। समझ में आ रहा है क्या, जी को ऐड कर रहा है, और जी अगर ऐड हो गया एक जगह पे तो नेक्स्ट रेप्लिकेशन में क्या दिखेगा आपको, नेक्स्ट रेप्लिकेशन में जी जो है ये अपने अगेंस्ट में ऐड कर देगा किसको, सी को। तो इस केस में टी ए इज रिप्लेस्ड बाय सी जी। समझ में आ जाएगा, टी ए इज रिप्लेस्ड बाय सी जी, ट्रांजिशन है कि ट्रांसवर्शन है, ये क्या है, ट्रांजिशन है। समझ में आया क्या, अगर आप एडेनिन का एग्जांपल लेते हो तो इसका स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है 2-अमीनोप्यूरिन। अब बता सकते क्या 2-अमीनोप्यूरिन जो है किसके साथ में पेयरिंग करता होगा, डीएनए रेप्लिकेशन जब हुआ तब अपने 2-अमीनोप्यूरिन को ऐड किया, 2-अमीनोप्यूरिन को जब ऐड किया तो ये एक स्ट्रक्चरल एनालॉग है, तो टी के अगेंस्ट में क्या ऐड हो गया, 2-अमीनोप्यूरिन। अब डीएनए में आ गया 2-अमीनोप्यूरिन, तो जब नेक्स्ट रेप्लिकेशन करोगे तो 2-अमीनोप्यूरिन जो स्टैंड के ऊपर है उसके अगेंस्ट में क्या ऐड होगा, म्यूटेशन करना है ना, तो 2-अमीनोप्यूरिन उसके अगेंस्ट में क्या ऐड होगा, नॉर्मली एक को ऐड करता है टी को, बट ये इसका स्ट्रक्चर एनालॉग है, एक जगह पे क्या आ गया, 2-अमीनोप्यूरिन। ठीक है, 2-अमीनोप्यूरिन अगर आ गया है तो ये एक अगेंस्ट में टी ऐड करना था, बट ये किसको ऐड कर देगा, टी के जगह पे सी को ऐड करेगा। समझ में आया क्या, किसको ऐड करेगा, सी को ऐड करेगा। तो चेंजेस क्या दिखेंगे आपको, ट्रांजिशन की ट्रांसवर्शन, एटी था ना, क्या चेंजेस हुए रे आपके, यहाँ पे ए के अगेंस्ट में टी ऐड हो गया, नया स्टैंड जो बना, ठीक है, ए के अगेंस्ट में ऐड हो गया, टी ऐड हो गया, बट यहाँ पे आपके पास में टी जो है उसके अगेंस्ट क्या होगा, 2-अमीनोप्यूरिन। समझ में आया क्या, किसके ऊपर, दूसरे स्टैंड के ऊपर, तो टी के अगेंस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, 2-अमीनोप्यूरिन। इसको रेप्लिकेशन के लिए भेजते, तो रेप्लिकेशन के लिए आप इसको भेजोगे तो आपका जो 2-अमीनोप्यूरिन है ये किसको ऐड करेगा, तो 2-अमीनोप्यूरिन ए को ऐड करना था, बट किसको ऐड कर देगा ये, सॉरी किसको ऐड करेगा, सी को, टी को ऐड करना था बट किसको ऐड करेगा, सी को। तो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया, सी आ गया, इसको नेक्स्ट रेप्लिकेशन में भेजेंगे अपन तो सी के अगेंस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, जी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो सी के अगेंस्ट में ऐड हो गया जी। ठीक है, तो यहाँ पे एटी बेस पेयर इज रिप्लेस बाय जीसी, ट्रांजिशन की ट्रांसवर्शन, ट्रांजिशन। ठीक है क्या, यहाँ तक समझ में आया, कैसे निकालना समझ में आया क्या, आपको वो ड्रॉ करके देखना ही पड़ेगा, जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है भाई सर,
ऊपर वाला हो गया क्या, हाइड्रोक्सिलाइन सारा? हाँ, ये लास्ट देख लो, इंटरकैलेटिंग एजेंट, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, इंटरकैलेटिंग एजेंट्स में अलग अलग एग्जांपल है, डायऑक्सीन, प्रोफ्लेविन, ठीक है, प्रोफ्लेविन, एक्रिडिन ऑरेंज, ठीक है, इथिडियम, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है, एक्सेट्रा। आपके पास अलग अलग इंटरकैलेटिंग एजेंट है, ये डाय है, ठीक है। इंटरकैलेटिंग एजेंट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर्शन और डिलीशन। इधर थोड़ा सा ध्यान दो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर्शन और डिलीशन। कैसे रहे? तो जैसे आपके पास में यहाँ पे ए है, यहाँ पे आपके पास टी है, और इसके सामने ये आपका टी है, इसके सामने आपका ये ए है, ये आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। एक्रिडिन ऑरेंज या कोई भी आपका जो इंटरकैलेटिंग एजेंट होता है, इसको इंटरकैलेटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दो बेस पेयर के बीच में इंटरकैलेशन करता है। फिक्स हो गया यहाँ पे? फिक्स होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे फिक्स होने के बाद में आपका नेक्स्ट जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, तो रेप्लिकेशन में ये दो तरीके से म्यूटेशन कर सकता है। पहला, ए जो है इसके साथ में ये पेयरिंग करेगा, ए के साथ में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग मतलब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ए के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है। इस केस में ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, ये इंडिविजुअल बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि ए और इंटरकैलेटिंग एजेंट का अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, तो इस केस में ए के अगेंस्ट में कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा, कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर जी है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे रहेगा सी, तो इस केस में आपको क्या दिखेगा रे, ये आपका जी दिखेगा, या आपको टी दिखेगा, ये ए, और इसके अगेंस्ट में ऐड हो गया सी, तो इसके अगेंस्ट में ऐड हो गया ए, ठीक है। और इंटरकैलेटिंग एजेंट जो है ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ए के साथ, तो इसके अगेंस्ट में कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा, डिलीशन हो गया, ठीक है, समझ में आया क्या। उसके बाद में इंसर्शन की अपन बात करते, तो इंसर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, और नीचे क्या है, टी है, तो इस केस में क्या दिखेगा आपको, देखो इस केस में जी के अगेंस्ट में सी ऐड होगा, ठीक है, उसके बाद ए के अगेंस्ट में टी ऐड होगा, और ये टी जो है इसके अगेंस्ट में ए ऐड हो जाएगा, ठीक है क्या। बट यहाँ पे जो आपका इंटरकैलेटिंग एजेंट है, इसके अगेंस्ट में कोई ना कोई बेस पे ऐड हो जाएगा, जब ये पेयरिंग करेगा, जो नए न्यूक्लियर ऐड होते हैं उसके साथ में अगर इसने पेयरिंग कर ली, तो यहाँ पे कोई भी रैंडम कोई भी न्यूक्लियोटाइड के साथ ये पेयरिंग करेगा, और यहाँ पे एक आपका नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसर्शन। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसर्शन और डिलीशन, समझ में आएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक। सबसे लास्ट में है फिजिकल एजेंट्स, और फिजिकल एजेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या आते हैं रे, रेडिएशन। और रेडिएशन दो टाइप के होते हैं, है ना, ये अपन बार बार पढ़ते हैं, एक है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है और नॉन आयोनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, बराबर, और ये आपका नंबर ऑफ शेल है, बराबर। अगर फॉर एग्जांपल आप
इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हो और एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन अगर आउटर शेल में जंप करता है तो उसको बोला जाता है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में सिर्फ वो जंप कर रहा है बट ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल रहा है। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलेंगे नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर आपने एनर्जी प्रोवाइड की और ये आपका कहाँ पे निकल गया? बाहर निकल गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे रे? आयनाइजिंग रेडिएशन। समझ में आया क्या? तो आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में एग्जांपल किसा है? आयनाइजिंग में अपन पढ़ते एक्सरे, गामा रे, अल्फा पार्टिकल, रेडिकल हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? आयनाइजिंग। बट नॉन आयनाइजिंग में, आयनाइजिंग में यूवी लाइट पढ़ा था अपने, यूवी लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी थायमिन, थायमिन डाइमर फॉर्मेशन। तो जो आपके आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, जो आपके स्ट्रैंड को क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन, वो खत्म हो।